स्वागत करिए। टप्पा मंडी दे बहुत आदरणीय सत्कार योग आम आदमी पार्टी दे वॉलंटियर आम जनता मेरे सत्कार योग इस मंडी दे व्यापारी वीर पिंडा जो आए दर्जा बदर्जा गरीब आदमी किसान नौजवान बुजुर्ग और स्टेज ऊपर सुशोभर साड़ी पार्टी के सारे सीनियर आगू देव मान जी जिहड़े प्रधान ने अज SC ST कॉन्फ्रेंस की प्रधानगी की है। मेरा छोटा वीर मीत हेयर जिहड़ा साडा नौजवान साथी है मीत प्रधान है यूथ विंग का बचन बेदिल जी जिहड़े साडे कल्चरल विंग के प्रेजिडेंट ने अते दर्जा बदर्जा सैक्टर के इंचार्ज सारे बहुत मेरे तो वध सारे सत्कार योग जिहड़े स्टेज पर बैठे आ ते साडे सारिआं तो वध जिहड़े तुसीं पंडाल च बैठे हो फतेह बुला दो एक बार वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पहला तो एक खुशखबरी लै लो हमने अली बाबा 40 चोर उन्होंने 18 चोरों को हाईकोर्ट ने हमने ला दिता वा इतने रैली से आ रहा है सानू तो सारे पता कि टैलीफोनों के उत्ते मैसेज आ जाते हैं अलर्ट आ जाते हैं कि जेडे बादल ने 18 मुख पार्लियामेंटी सकत्र बनाए थे जिन्हें लोगों ने टुकड़े पाए थे आ तू भी खा ला आ टुकड़ा तू भी खा ला मेन बड़ा जिहड़ा सारा घोटाला ते जो लुटदा माल बादल दा टब्बर खावे ते जिहड़े 18 बनाए थे टुकड़ बोझ अज हाई कोर्ट ने उन्होंने ला दिता वा ते तुहाडे हक विच फैसला दिता क्योंकि साडे पैसे ते ये गड्डियां चलाउंदे सी साडे पैसे ते ये पेट्रोल पाउंदे सी साडे पैसे ते ये तनखाह लैंदे सीगे और मैं समझता कि जिदा का वातावरण अब पंजाब में बन रहा वो दिन दूर नहीं गा जिदन 2017 के अली बाबा के जेडे 40-50 चोर ने सारे लोगों ने करारी पांच देनी तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई आप भाओ जिहड़ा असल डूंगी सियासत मैं थोड़े नाल मैं तुहानूं बेनती करना थोड़े चरणां दे विच आपां अरसे च इन्हां ताकतवर लोगों की खेड नहीं पछाण रहे पंजाब के सीटा तो 117 ने ते सरकार भी एक बनती है ते मंत्री भी 20-25-35-40 बनते हैं लेकिन यह सारा दिखावा है पंजाब के सियासत के अरसे तो कई दहाकों तो इन्हां रजवाड़िया ने इन्हां अमीर आदमियों ने इन्हां दोनों पार्टियां के चंद टब्बर ने सुलह समझौता करके ते पंजाब की राजनीति ते कब्जा किया हो जिहड़े मालवे के पुराने लोग बैठे ने इत्थे बुजुर्ग उन्होंने पता होगा कि एक बार बादल ते हरचरण सिंह बराड़ भिड़ गए आपस में बहुत गह गच लड़ाई हुई ते थोड़िया जिहा वोटां ते शायद बादल या शायद हरचरण बराड़ जित गया बाद च इन्हां दोनों टब्बरां ने यह बैठ के फैसला किया आपस में मिल के कि बादल साहब ते बराड़ साहब आपस कहिंदे बादल साहब जे आप इतना ही जूझते रहे एक दूजे न लड़ते रहे तो आप नंग हो जावे तो लोग तमाशा देखे अपना पंजाब 117 सीटा ने मालवे 65-64 सीटा ने तुम अपनी सीट को चुन लो तो मैं अपनी सीट को चुन लेना आप एक दूजे के खिलाफ मुकाबला ना करिए आप मुकाबला जरा वा वो दिखावे वास्ते लफ्जी मुकाबला करिए ते आपा अपना राज भाग करिए एक बारी तुहाडी पार्टी राज कर लिया करू एक बारी साडी पार्टी राज कर लिया करू ये मनसूबा भराओ पिछले कई साल तो जो पंजाबी सूबा होंद में आया 1966 तो लैके अज तक ये जी वारी वटे की सरकार चलती रही मैं 19 साल कांग्रेस में काम किया और इन्ना तनदेही के नाल कांग्रेस का झंडा उदों चुकया आ जो लाल सिंह आ जिहड़े पठल आ जिहड़े डरपोक लीडर सी विच ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पार्टी हर जाती सी चाहे वह 2007 सी चाहे 1997 सी चाहे 2012 सी मैं कांग्रेस का झंडा चुक के कले ने इन्हां अखौती अकालिया का अखौती पंथक सरकार का डट के मुकाबला किया मेरे ते 6 झूठे मुकदमे बनाए गए
लेकिन कोई परवाह नहीं की। लेकिन मैं उधर बहुत हैरानगी हुई, पिछले कोई 8-9 महीने पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह के दोते की शादी सी दिल्ली, कैप्टन अमरिंदर सिंह के दोते की शादी हुई है वीर भद्र सिंह मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की लड़की के नाल। और जो वो कार्ड वंडे गए, जो सुनेह लाए गए, मैं उस वे दंग रह गया कि जेडे असं लड़ते सी कांग्रेस के MLA जेडे मुकदमे दर्ज करवाते सी कांग्रेस वास्ते, सानू कोई निमंत्रण नहीं दिता गया, सानू कोई इनविटेशन नहीं आई। और सोशल मीडिया से जो जाके देखा दिल्ली जी शादी की कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिक्रम मजीठिया पहुंचा हुआ सी, नन्नी छां पहुंची हुई सी उत्थे शादी के उत्ते, अपने न्याणे लैके गई हुई सी, इन्होंने कट्ठे खाता, इन्होंने कट्ठे ने पीता। आप लोगों मूर्ख बनाने तहू कहते थले जाके मुकदमे करो लड़ो, तहू कहते एक दूजे भोगों से जान की लड़ नहीं, तहू कहते कांग्रेस अकाली तुम एक दूजे का रिश्ता तोड़ लो भराओ। मैं पूछना चाहना कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, पहला मैं उन्होंने गल करना चाहना, मैं पूछना चाहना कि पिछले 20-22 साल तो हावी ने पंजाब के राजनीतिक मंच से मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के प्रधान रहे, तुम लोगों ने अनेक बार बयान पढ़े हो गए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आम इल्जाम लाते हैं कि बादल ने 50,000 झूठा मुकदमा किया कांग्रेसी वर्कर के बदलाखोरी की नीति के तहत। मैं तुम्हें पूछना चाहना ईमानदारी आप शाम का वक्त है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसी एक वर्कर का केस लड़िया, किसी अदालत में गए, कितने मनुखी अधिकार कमिशन को गए, कितने SC कमिशन के कोल गए, किसी हाई कोर्ट का दरवाजा खड़काया, कितने सुप्रीम कोर्ट में गए, एक वर्कर का भी केस नहीं लड़िया, महज लफ्जा के नाल गल्ला कर करके लोगों मूर्ख बनाते रहे। केस लड़े ने उन्होंने, केस लड़िया उन्होंने भतेंद्र चाहल का, जिहड़ा उन्होंने अख का तारा है, जिहड़ा उन्होंने मीडिया एडवाइजर से, जिस सुखबीर ने अज जो हुण सरकार बनी उन्हें क्या इन पहला भतेंद्र चाहल चुक के अंदर दो, ये वड्डा उन्होंने बनया फिरता से पैरोकार, मुकदमा दर्ज किया गया, भतेंद्र चाहल की थाणे में बेइज्जती की गई। लेकिन 2016 की जनवरी 4 तरीक न भतेंद्र चाहल अदालत ने बाइज्जत बरी किया, कहते बरी किया 109 सरकारी गवाह से जेडे STO XCN SC चीफ इंजीनियर जिन्होंने उन्होंने जायदादा की विनती की, उन्होंने सारे सुखबीर बादल ने अपने दफ्तर में बुला के कहा कि हुण साडी कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल सुलह हो चुकी है, तुसीं भतेंद्र चाहल के खिलाफ किसी आदमी ने वो खिलाफ गवाही नहीं हो देनी भराओ। और नतीजा की होया, मैं गलत गल नहीं कह रहा, मुहम्मद गुलजार की कोर्ट अडिशनल सैशन जज पटियाला 4 जनवरी 2016 जिहड़ा विजिलेंस का अफसर जिसने केस बनाया सी, जिहड़ा शिव कुमार जिहड़ा सुमेल सिंह सैनी की सच्ची बाह सी, उसने जाके अदालत में बयान दिता कि अज सारिया गवाहियां बंद कर दो, असी भतेंद्र चाहल के खिलाफ पंजाब की सरकार ने कोई सबूत नहीं देना। भतेंद्र चाहल बाइज्जत बरी हो गया, केस लड़िया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उसका सुलह करके पाओ, केस लड़िया अमरिंदर सिंह ने अपना सिटी सेंटर घोटाले का लुधियाने, केस लड़िया अमरिंदर सिंह ने मोहाली का जिहड़ा अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का सैकड़े करोड़ों की जमीन का गबन का केस सीगा, करोड़ों रुपए फीस सुप्रीम कोर्ट में चंगी तरह समझ लो, एक वकील की एक दिन की पेशी भावे बहस होवे ना होवे 5 लाख रुपया पेशी कट्ठो करते अपराओ, उथे केस लड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसी आम आदमी का केस नहीं लड़िया अपराओ। इसलिए मैं बहुत समझ सोच तो बाद जो मैं देखा कि हिंदुस्तान के किसी जान है, कोई आदमी किसी बद नजामी के खिलाफ लड़ सकता वा, कोई आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकता वा, तो परे मैं दिल्ली में एक बिल्कुल सादा आदमी अरविंद केजरीवाल नजर आया, मैं उधर ही मन बना रहा कि मैं अरविंद केजरीवाल की गल करते हैं, इन्होंने भराओ पंजाब का खून चूस लिया, मेरा छोटा भीर कहता सी ना, दिल तो साडा भी करता भी पंजाब जिहड़े लोग चंगी सेहत वाले उदा ही आप एक एक बोतल खून दे दिए ढिड भर जाए, ये साडा जिहड़ा रोज खून चूसता तुहानू पता वा। मैं हमने लग रहा सी अज महल कला तो महल कला तो अज किरणजीत कौर की बरसी सी, मैं जो उतों लंघ के तो अपना मेरा दोस्त है दविंदर सिद्धू पीला पिंड आ रहा सीगा, या तपदी धुप में कोई 40-50 जनानिया आ बैठिया सी नरेगा की लेबर वाली, मैं इन्ना तरस आया उन्होंने देख के, असी AC भी सानू गर्मी लगती सी,
वह बेचारियां काम कर दिया बाहर धुप्पे वह बैठिया सगिया तो मैं अपने मन में सोचा यह कादी जमहूरीयत आई इन्होंने वास्ते इन लोगों वास्ते कादी आजादी आई है इन गरीबों वास्ते कादी आजादी आई है आजादी का बादलों ने टबर लिया आई है कि तुहानू पता वा कि हरसिमरत कौर जितन 2014 की लोकसभा की इलेक्शन की उम्मीदवार बनी मैं वह एफिडेविट कढ़ाया तुम कढ़ा सकते हो इंटरनेट से इलेक्शन कमीशन की साइट के उत्ते है और जो मैं एफिडेविट कढ़ाया उन्होंने बाकिया जायदादा छड़ दी है आप सत सितारे होटल बसा पीटीसी चैनल इन्हों कोठिया इन्हों के नौ सेक्टर महल इन्हों सारिया गल् छड़ दो मैं जो आ जी नरेगा वाली की मैं चेते आया वो मैं आमदन का कॉलम देखा सब तो उत्ते आमदन का कॉलम होंगे एफिडेविट के कराओ मैं जो आमदन का कॉलम देखा वो आमदन केवल एक ऑर्बिट रिजॉर्ट दिल्ली सत सितारा होटल गुड़गावा उस कंपनी के हरसिमरत कौर 3,11,00,000 रुपया तनखा बतौर डायरेक्टर ले रही है 3,11,00,000 रुपया एक गल चो जो मैं उसनों मैं तकसीम किया 25,00,000 रुपया महीना पाओ 83,000 रुपया एक दिहाड़ी हरसिमरत कौर जी कुछ नहीं करती जी रोज झूठ बोलती है जी साढ़े तक झूठे इल्जाम लाती है 3,00,00,000 रुपया 11,00,000 रुपया वह अपनी तनखा ले रही है बाकी जी लुट कसुट की वाल मैं जाना नहीं तुम्हें पता तुम भोले लोग हो इतने बादल बारी आम क्या गया मालवे के जो आता नाला लटका लगा थले पगू दो है इधर उधर मार लगा कह के मैं इन्होंने मुजस्मा किया जा सकता भ्रिष्टाचार का प्रकाश सिंह बादल का टप्पर यह मुजस्मा भ्रिष्टाचार का भाओ इन्हों ऑर्बिट एविएशन कंपनी इन्हों को जहाज ने इन्हों को 2 7-सितारे होटल ऑर्बिट ट्राइडेंट और एक हम तीसरा 7-सितारा होटल बनन जा रहा बल्लनपुर पिंड चंडीगढ़ के लागे जो रोज सुनते ना कि नवा चंडीगढ़ बन रहा जी असं डिवेलपमेंट करा रहे हैं जी नवा चंडीगढ़ नहीं बन रहा बादल के टप्पर का तीसरा बल्लनपुर पिंड मुलांपुर लंघ के मेट्रो इको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड तीसरा 7-सितारा होटल बनन जा रहा और तुम्हें पता कि किसाने की लुट कि करते लोग इन्होंने चंडीगढ़ का जोड़ा एयरपोर्ट बनया उतों सीधी 6 मार की सड़क कटी भराओ एयरपोर्ट तो सरकारी खजाने चो ताकि किसी ग्राहक को तकलीफ ना हो बंदा दे हाथ तो उतरे चंडीगढ़ एयरपोर्ट ते 6 मार की सड़क वाया खरड़ कट के मुलापुर लिया के एक 6 मार की वो लाई एक 6 मार की बनाई पीजीआई तो पीजीआई मुलापुर सिसवा टी पॉइंट कुराली ते सड़क केड़ी बनन की लोड़ है जिथे रोज हजारा सैकड़े लोग फल जाती है सिंगल रोड है हले सड़क बननी चाहिए जी रोपड़ तो खरड़ ते चंडीगढ़ में बढ़ती ट्रैफिक डबल रोड है सिर्फ वह सड़क बननी चाहिए सी लुधियाना समराला खरड़ चंडीगढ़ लेकिन क्योंकि बादलों ने टब्बर के कोल पूंजी आपत्ति हुई उसने पहला अपने होटल में 2 6 मार की सड़क बनाई भाओ इतने ही बस नहीं पीटीसी चैनल इन्हों का मेरा ख्याल है चैनल इतना झूठ बोलता वो उस वेले सिर्फ माड़ा मोटा बादलों तो कैमरा हटा जो कि माड़ा मोटा बाथरूम में जाते नहीं तो दिल करे तो मैं उत्थे भी जाए चाहना और मैं इतने कहना चाहना वा कि आज इतने प्रण करके जाओ कि जोड़ा ये पीटीसी चैनल है ये एडा बोगस चैनल है इन्हों का इन मन घड़त खबर सुना साढ़े खिलाफ माड़ा जहा सूबी जी इल्जाम ला दे कि ये नक्सलवादी है खैरा नक्सलवादी छोटेपुर नक्सलवादी भगवंत नक्सलवादी रोज दिहाड़ी एक आता मैं तो उन्हें कहना कि अब बावं खड़िया करके मीडिया को दसो कि अज तो बाद जे कि माड़ा मोटा गलती ना आप देखते थे अज तो बाद असं पीटीसी चैनल बाइकाट किया कि बावं और मैं इतने फिर मत समझना मैं कोई गल गलत कह रहा फिर इतने आसान लाना जो बादल का टब्बर जवाब दे सिखा की कचहरी के इस पीटीसी चैनल में जो बीबी जगीर कौर एस सी पी सी की प्रधान सी तुम जानते ना कौन है जगीर कौर
सजा कितनी हुई है, सजा कितनी हुई दस्यो जरा। 5 साल सजा ते इस्त्री अकाली दल की प्रधान बाओ सलाम है तुम पंथक आगू। 5 साल की कैद लड़की मारन दिया रो ते इस्त्री अकाली दल की प्रधान जो प्रधान सी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की उसने भराओ 15 साल का, मैं दोबारा कह रहा 15 साल का एग्रीमेंट बिना सोचे बिना समझे बुलावे बीबीसी भी आना चाहता, सीएनएन भी आना चाहता, अमरीका का अपने अपने इंडिया के सारे नैशनल चैनल आना चाहते हैं। तुम्हें पता कि आमदन हो सकती श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक साल की घट्टो घट 100 करोड़ रुपया कली गुरबाणी की रिले चो वो बना सकते हैं। लेकिन इस जगीर कौर हथ थुकी या बिचे जरा मक्कड़ बिचे इन्हों का बडूंगड़ इन्होंने लोगों ने भराओ 15 साल वास्ते ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਕੂਕ ਵੇਚਦੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1400-1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੋਲਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਕੇ ਤੌਰ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ, ਉੱਚੋ ਮੰਡੀ ਲਾਗੇ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ KFC, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੋਦਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਕਿਹਦਾ ਲੈ ਜਾਇਆ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਦਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੀ ਬਾਦੂ ਦਾ, KFC ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਾ ਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਦਲਤਾਂ ਦਾ ਬੁੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਟਹਿਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ 60-65 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਲਾਉਂਦਾ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਚੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕੋਚਾ ਮਜ਼ਾਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਰਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਸਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400 ਬੱਸ ਕੁੱਲ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਜ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੱਬ ਵਾਲੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਬਿਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕੁੱਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5-5, 4-4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2-2, 3 ਨੂੰ 1-1 ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਮੇਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਾਨ ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਭਰਾ ਗੁਰਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਿੱਲੀਓਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁੱਲ ਥੋਕ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਮਜੀਠੀਆ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਿਣਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਗਿਣਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੀਆਂ, 5,74,000 ਪੋਸਟ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧੁੱਪੇ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਲਈ, ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ? 7 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਭਰਾਓ। 7 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਡਿਗਰੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਕੋਲ MBA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ SY ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ,
ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰਾ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੁਪੀਰ ਦਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬੇਕਰ ਸਟਰੀਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਿਆਸ਼ੀਗੰਜ ਤੇ ਜਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ MBA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਉਹ MBA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ, ਉਹ MBA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਔਰ MBA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸਪਾਈ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਪਾਈ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 0.2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੁਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਭਰਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, 0.2% ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੀ,
जे बादल वांगू चाहता तो अपने मिनिस्टर बनाई सकता और पर्दा पाई रखता। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सारी गल जांच के देख के साडे मिनिस्टर की आवाज आ उसने भाओ तुरंत सारा दिल्ली का मीडिया सद्या और उसने की फैसला किया उन्हें अपने मिनिस्टर को भाओ अपनी कैबिनेट तो डिसमिस करता करता जांच सीबीआई को देती मोदी बना मैं हूँ बादल में जान है बादल में जान ये किसे अफसर जो पोलिटिकल बंदे खिलाफ तो इन्हें की करनी जो उन्होंने रलिया होया वा उन्होंने को दलाली के हिस्से लेंदा वा मैं तो पूछना चाहना कभी किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया साडा जिहड़ा चौकसी विभाग पढ़िया ना तुसीं हर पंजवें सतवें दिन एक चौकसी विभाग की रिपोर्ट पढ़ोगे छोटी जी अज पटवारी फड़िया गया 5,500 रुपया रिश्वत लेंदा अज थाने का मुंशी फड़िया गया 9,000 रुपया लेंदा अज लाइनमैन फड़ लिया बिजली बोर्ड का 6,000 रुपया लेंदा ये कर रहे ने खाना पूर्ति कल असेंबली में सवाल पूछूगा लाल सिंह कोई फर्जी सवाल पठल पूछू फर्जी सवाल कि तुहाडे चौकसी विभाग ने किन्ने काम किए असी 500 मुकदमा दर्ज किया लेकिन किया कि खिलाफ छोटे छोटे मुलाजे अरविंद केजरीवाल मोदी को फड़न दिया भरा मोदी को फड़न दिया जेडे जेडे पैर चटते रोज जाके याद है ना जगरावां की रैली बादल ने मोदी के सिर पर पग रखी सी भरा याद है लोग सभा के उस पग रखने समय बिच ही उत्थे इहदी नूंह सीगी बिच ही मुंडा सी बिच ही मुंडे का साला सी ते पग रख के कहिंदा उहदे सिर ते कि गुजरात के किसान 50,000 गुजरात के किसानों भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी की सरकार ने कढ़िया होया उन्हां दी जमीनां खोलियां कहिंदा जी मोदी साहब आप पग रख ले तुहानूं सरदार दा खिताब देता साढ़े 50,000 किसानों दीआं जमीनां वापस कर दिओ कच्च इलाके दे रन ऑफ कच्च कच्च दे इलाके च अज तक उन्हां दी जमीन वापस नहीं कीती आ पिछे जे मोदी की तुलना किहदे नाल कीती इहनां ने बाबा बंदा सिंह उन्हें एक नाइट खड़काती उन्हें साड़ी कौम में जान पाती उसने साहबजादे का बदला लिया ते मोदी नूं कहिंदा हे बुजुर्ग ते मोदी साहब तुसी बहादुर सिंह मोदी लगदे हो मैनूं ये ठग की आवाज सुनो तुसी ये उत्थे मोदी नूं लोगां नूं खुशामद करन लगा ये मोदी नूं कहिंदा तुसी मोदी सिंह बहादुर लगदे हो की लगदा तुहानूं मोदी जिहड़ा निहत्ते लोगां नूं मारदा ਜਿਹੜਾ ਦਗਦਾ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਚ ਲੈਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲੇ ਬਦਲਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਥਾਣਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਓ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿ ਦੂਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ खालिस्तानी है जी तुम पता कि बादल एक बार सिमरनजीत सिंह मान के चल के दिल्ली गया 1992 की गल मैं कर रहा जो सारा पंजाब कंबदा सी जो इन्हें अपना मुंडा बाहर भेजा सिमरनजीत सिंह मान तो डरदा मुंडिया तो डरदा उस वेले इसने दिल्ली गया और कोई छोटे मोटे बंदे मंग पत्र नहीं दिता अपने सवाल दसना चाहना किनू मंग पत्र दिता उस वेले यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जनरल आया सी इंडिया जिहड़ा आया सी जिहड़ी सब तो वड्डी साझी संस्था है दुनिया की कहो जिहड़ी सारे दुनिया में शांति बना के रखती है उसका सेक्रेटरी जनरल कहिंदे उहनूं सेक्रेटरी जनरल बोतरस खाली 1992 दे विच बादल ने सिमरनजीत सिंह मान के नाल जाके खालिस्तान के मेमोरेंडम ते साइन करके सिख एक वखरी कौम नहीं है सिख जिहड़े ने ओ हिंदू भाईचारे का हिस्सा ने ए जदों मुंडिया ने इत्थे फांडा चढ़ाया इहदियां चुनियां कसियां बादल दियां 1983 और मैं तुहानूं की कहना चाहना मैनूं राज
ਗੱਡੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤੀ ਕੋ ਕੁਠਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਨੀ ਅਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਾਵਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਭਾਵਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਲਚ ਭਾਵਾਂ ਡੋਟਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਭਾਵਾਂ ਖਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਭਾਵਾਂ ਪਸੀਨਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਟੱਪਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੇ 55 ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਚੋਂ 28 ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਟੱਪਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਲ ਕਹਿਰੋ ਕੋਲ ਵਿਕਰਮ ਕੋਲ ਜਨਮੇਜੇ ਕੋਲ ਇਹ 55 ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜੋ 28 ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਹੁਣ ਅੰਤ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਹੁਣ ਗੰਢ ਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਣਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਕੱਲੇ 9 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੁਖਦੀਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 6 ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ ਭਰਾਓ ਆ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ 6 ਕਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਭਰਾਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਆਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਾਲੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖ ਖਾ ਲਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖ ਖਾ ਕਰਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਮੈਨਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਦਿਨ ਨਾਲੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਾਜ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਖਤ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਾਜ ਬਦਲ ਦਿਓ ਦਾਦੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਦਵਿੰਦਰ
आराम नाल साइड होके करूंगा। दविंदर दविंदर कि लाइव दिखा दी कहना था मोबाइल से तुम वीडियो सही लाइव सही एक मिनट दे यार खाली हो गया सारे फौजी कितने मोदी थोड़ी ध्यान कर रही है। देवेंद्र देव जी अमित अमित दविंदर कि